कोविड महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने 50 ऑक्सीजन रेगुलेटर फेंट किए। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के अलावा कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल भी मौजूद रहे। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मरीजों को दिक्कतें पेश ना हो, इसके लिए 50 ऑक्सीजन रेगुलेटर अस्पताल को दिए गए। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में भी सभी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कोविड महामारी से निपटने के लिए मरीजों की मदद के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा की घड़ी में कोविड मरीजों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जा रही है। आज 50 ऑक्सीजन रेगुलेटर जो है वो आज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए जो है हमारी तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि आज के इस दौर में ऑक्सीजन रेगुलेटर्स हों चाहे और जरूरत का सामान हो जो कि आज के इस कोविड से लड़ने के लिए ज़रूरत है, वो आज सब तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रही है। एम्बुलेंसेज दी जा रही है, इन्होंने भी अपनी समिति की तरफ से 2 एम्बुलेंसेज बटसर में इन्होंने लगा के रखी हैं। 2 एम्बुलेंसेज मैंने पैसे जो है रिलीज कर दिए हैं एमएलए फंड से। इसके अलावा भी जगह जगह ऑक्सीजन वो कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर से लेकर मास्क लेके सैनिटाइजर से लेके जो गरीब परिवार है उनको लिए राशन वितरित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही कठिन दौर है और इस कठिन दौर में हम सब लोग जो हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको ज़रूरत है, और इस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये इतिहास रहा है कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आती है, और उसी कड़ी में आज हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास जो है ऑक्सीजन रेगुलेटर्स जो दिए गए हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आज जो है ऑक्सीजन जो है जिस तरीके से उसकी खपत बढ़ी है, पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन रेगुलेटर जो है जगह जगह ख़राब हो रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं। जब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमने ये प्रयास किया है ताकि उन लोगों के काम आए जिन लोगों को आज इसकी ज़रूरत है। मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने पर राजेंद्र राणा ने कहा कि मेकशिफ्ट अस्पताल की जगह बड़े बड़े होटलों में या काम किया जाता तो इससे होटलों में काम करने वाले लोगों को भी लाभ मिलता। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, इससे अच्छा होता कि होटलों में ही इन अस्पतालों को चलाया जाता, जिससे करोड़ों रुपए सरकार के बच जाते। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो बनाए जा रहे हैं, एक इन्होंने कांगड़ा में बनाया, एक मंडी में बनाया, एक सोलन में बनाया, और जो जानकारी मेरे पास आई है कि उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो पर बेड जो है एक बेड का 1950 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार जो है इसकी बजाय जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको हायर कर लेती तो कि जो आज आपके जो पर्यटन उद्योग है ये तबाह हो रहा है, होटल जो है वो तबाह हो रहे हैं, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, तो अगर उनको 1950 रुपए में तो उन्होंने भी कमरा दे देना था जो बने बनाया उनको कमरा मिल जाता, क्योंकि मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो है इसने और शिफ्ट हो जाना कहीं। तो इतना करोड़ रुपया जो है वो अगर इस पर्यटन जो है जो आपका टूरिज्म में इसमें जो होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देते, उन लोगों को मौका मिलता, उन लोगों को रोज़गार मिलता, उनके जो कर्जे हैं उनसे बचे जा सकते थे, तो मुझे लग रहा है ये बेहतर होता। ये सरकार जो कर रही है इसे ये ज़्यादा ऑप्शन बढ़िया थी। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करनी चाहिए, उनको हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से लोगों के रोज़गार बच जाते, लोग जो हैं तबाह होने से बच जाते हैं।